सुप्रभात विद्यार्थियों, गत कक्षा में हम लोगों ने जाना था तत्पुरुष समास का पहला भेद द्वितीय तत्पुरुष समास। आज हम लोगों को पढ़ना है तृतीय तत्पुरुष समास। तो चलिए आइए तृतीय तत्पुरुष समास का कौन सा सूत्र है उसको देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसमें भी एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है? वो कहता है पूर्वः सदृशः समूहार्थ कलह निपुणः मिश्र सलक्षणैः। कौन सा सूत्र है? पूर्वः सदृशः समूहार्थ कलह निपुणः मिश्र सलक्षणैः। चलिए तो इसको लिखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है, पूर्वः सदृशः समूहार्थ कलह निपुणः मिश्र सलक्षणैः। क्या लिखा है? पूर्व सदिशः समूहार्थ कलह निपुणः मिश्र सलक्षणैः। कि जहां पर भी पूर्व सदिशः समूहार्थ कलह निपुणः मिश्र व सलक्षणैः शब्द शब्द जो है सामासिक पदों में पीछे की ओर आए। कहां आए? सामासिक पदों में पीछे की ओर। जैसे कि मास पूर्व सामासिक पद है तो इसमें पूर्व कहां आ रहा है? पीछे की ओर। तो वहां पर कौन सा समास होगा? वहां पर होगा आपका तृतीय तत्पुरुष समास। कौन सा होगा बच्चों? तृतीय तत्पुरुष समास। अब इस तृतीय तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका बता दिया सूत्र, जिस प्रकार द्वितीय के लिए बताया था उसी प्रकार तृतीय के लिए ही है। इस सूत्र को यदि हम याद रख लेते हैं तो हमें तृतीय तत्पुरुष समास पहचानने में बहुत ही सरलता हो जाती है। जैसे पूर्वः सदिशः समूहार्थ कलह निपुणः मिश्र सलक्षणैः। पूर्वः सदिशः समूहार्थ कलह निपुणः मिश्र सलक्षणैः। अब मेरे बोलने के बाद इसकी आवृत्ति करेंगे, पूर्वः सदिशः समूहार्थ कलह निपुणः मिश्र सलक्षणैः, ठीक है। और साथ ही बच्चों यहाँ पर दूसरा भी इसका एक सूत्र दिया है, कर्तृ करणे कृता बहुलम्। कर्तृ अर्थात कर्ता, करणे अर्थात करण, बहुलम् कृता बहुलम् अर्थात जहां पर भी सामासिक पदों में करण दिखाई दे। करण जिसको कहते हैं साधन को, साधकतमं करणम् अर्थात जहां पर भी कोई साधन दिखाई दे सामासिक पद में, जिस साधन से कार्य होता है, तो वहां पर भी कौन सा समास मानोगे बच्चों? वहां पर भी आपको तृतीय तत्पुरुष समास मानना है। चलिए पहले हम लोग प्रथम सूत्र के उदाहरण देखते हैं, उसके बाद द्वितीय सूत्र के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो देखिए पहला उदाहरण हमारे सामने लिखा है, उदाहरण मास पूर्व। मास पूर्व, पूर्व देखो सबसे पहले लिखा है पूर्व समूहार्थ कलह निपुणः मिश्र सलक्षणैः। तो पूर्व शब्द कहां गया है? सामासिक पद में पीछे की ओर, मतलब मास पूर्व में कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तृतीय तत्पुरुष समास। और मैंने आपसे कहा था कि जिस प्रकार से द्वितीय तत्पुरुष समास में आगे वाला पद में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, उसी प्रकार तृतीय तत्पुरुष समास में आगे वाले पद में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी तत्पुरुष में चतुर्थी आगे वाले हो जाएगी, पंचमी में पंचमी हो जाएगी, उसी प्रकार यहाँ तृतीय है। तो मास की तृतीय क्या होती है? राम की तृतीय होती है, रामेण। उसी प्रकार मास की तृतीय मासेन क्या हो जाएगा बच्चों? मासेन पूर्व, मासेन पूर्व, मास पूर्व इत्यस्मिन् पदे कः समासः। मास पूर्व इत्यस्मिन् पदे कः समासः? तृतीय तत्पुरुष समास। पितृ सदिशः, पूर्व सदिशः, समूहार्थ सदिशः, सदिशः से सदिशः मिल गया, इसलिए पितृ सदिशः में क्या हो जाएगा? अब पितृ शब्द की तृतीय क्या होती है? पित्रा, पिता पित्रो, पिता पित्रों पित्रा, पित्रम पित्रो पित्रिन पित्रा, पित्रा तृतीय है, तो यहाँ पर पित्रा बन जाएगा। पित्रा सदृशः, ठीक है बच्चों। भ्रातृ समः, अब जो है सम आ रहा है, पूर्व सदृशः समूहार्थ सम, समूहार्थ यानी समान, तो सम शब्द आ गया समूहार्थ का, इसलिए भ्रातृ शब्द में कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास। अब भ्रातृ शब्द की तृतीय क्या होती है? तो भ्रातृ शब्द की तृतीय
या जिस प्रकार पितृ शब्द की पित्रा होती है उसी प्रकार भ्रातृ शब्द की भ्रात्रा होती है। तो हम लोग को यहाँ क्या कर देना है, भ्रात्रा और पीछे क्या है समह, तो समह लग जाएगा। अभी बात समझ में, पिता माता भ्राता ये सब एक जैसे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है परंतु ज्यादा नहीं होता। आचार निगुण, अब आचार निगुण आचार निपुण में निपुण शब्द दिख रहा है तो निपुण से निपुण मिला तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास। ये समासों को पहचानने के सूत्र है, इनसे समास सरलता से पहचान में आ जाते हैं और हम सामासिक पद को देखकर ये पता लगा पाते हैं कि इसमें कौन सा समास है। तो निपुण शब्द आ गया पूर्वः सदृशः सर्वनाथ कलह निपुणः, तृतीय का है मतलब इसमें कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास पूछ लिए, आचार शब्द की तृतीय क्या हो जाएगी आचार्येण, आचार्येण और पीछे सदृशः निपुणः आ जाएगा। इस प्रकार आपको जो है वो इस सूत्र के उदाहरण मैंने बता दिए हैं, पूर्वः सदृशः सर्वनाथ कलह निपुणः सुलक्षणैः। अब हमको जानना है सूत्र नंबर दो, कर्तृकरणे कृता बहुलम्, अर्थात जहाँ पर भी करण दिखाई दे, करण यानी साधन, साधन के माध्यम से कोई भी कार्य होता है। अभी अहम सुधाखंडेन लिखामि, मैं सुधाखंड से लिख रहा हूँ, ये सुधाखंड मेरा क्या है साधन है, क्या है बच्चों साधन है। उसी प्रकार कोई भी कर्ता जब किसी कार्य को करता है तो उस साधन के माध्यम से करता है, वही साधन करण कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों करण कहलाता है। और उस करण जहां पर भी किसी कर्ता के साथ करण दिखाई देगा सामासिक पद में तो वह भी कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे नख भिन्न, इसका उदाहरण देखो, नख भिन्न, नख नख अर्थात नाखून और भिन्न यानी अलग करना, नाखून से अलग किया, किससे अलग किया नाखून से अलग किया, तो नाखून से अलग किया तो नाखून साधन हो गया, नाखून करण हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस नख भिन्न में कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास, और इसका समास विग्रह क्या बन जाएगा, नखे भिन्न, नखे भिन्न। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हरि त्रातः, हरि त्रातः, हरि त्रातः। अब हरि त्रातः में यहां देखिए हरि के द्वारा रक्षित, क्या अर्थ हो रहा है हरि के द्वारा रक्षित। अब हरि के द्वारा रक्षित में अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें हरि, हरि के द्वारा रक्षित यानी यहां पर कर्ता दिखाई दे रहा है, कर्ता के द्वारा रक्षित, तो जहां पर भी कर्ता या करण दिखाई देगा तो उसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर कर्ता दिखाई दे रहा है हरि, प्रातः हरि के द्वारा रक्षित, तो यहाँ पर भी कौन सा समास होगा तृतीय, और हरि में तृतीय लग जाएगी हरिणा, हरिणा प्रातः। समझ में चलिए और भी जो है, जैसे इसके उदाहरण देखें, बाण विद्ध, बाण विद्ध, बाण विद्ध। अब इस बाण विद्ध शब्द में देखिए, बाण के द्वारा विद्ध यानी भेदा हुआ, बाण के द्वारा मारा हुआ, बाण के द्वारा संहार किया हुआ, तो बाण के द्वारा। अब ये बाण क्या है बच्चों, बाण साधन है, जिस प्रकार शिक्षक के लिखने का साधन सुधाखंड है उसी प्रकार उसे मारने का साधन बाण है। इसलिए जो है साधन दिख रहा है, साधन को ही करण कहते हैं, इसीलिए बाण विद्ध में कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास, और हम लोग बाण में तृतीय लगा देंगे, बाणेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाणेन, बाणेन विद्ध। तो चलिए बच्चों आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हमने जाना तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है, और उसके दो सूत्रों को जाना है, पूर्वः सदृशः सर्वनाथ कलह निपुणः मिश्र सुलक्षणैः और कर्तृकरणे कृता बहुलम्।
इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने जाना है तृतीया तत्पुरुष समास के दोनों सूत्रों को और साथ ही उनके उदाहरणों को। चलिए अब आप लोग अपनी कॉपी में इसे लिख लीजिएगा और जो आपके पुस्तक के अंदर उदाहरण दिए हैं उन्हें भी आप लोग इनके नीचे लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।